मध्य प्रदेश में राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा ने 23 तारीख को प्रवेश किया और आज 4 दिसंबर को इसका अंतिम चरण है। जो उत्साह, जो जोश और खास करके जो प्यार राहुल गांधी जी को इस यात्रा में मिला, मैंने अपने राजनीतिक जीवन में इस प्रकार का उत्साह, इस प्रकार का जोश, इस प्रकार का प्यार मैंने अपने राजनीतिक जीवन में नहीं देखा। वो बुरहानपुर से शुरू करी, खंडवा, खरगोन, ओंकारेश्वर, महू, इंदौर, उज्जैन और आगरवाल में राहुल गांधी जी की यात्रा ऐतिहासिक रही। और राहुल गांधी जी तांतिया मामा के जन्म स्थान पर गए। आज तांतिया मामा जी की पुण्यतिथि है, हम सब उन्हें प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं। राहुल गांधी जी ने महाकाल का दर्शन किया, ओंकारेश्वर में भी भगवान का दर्शन किया, मऊ बाबा साहब की स्मृति में भी वे गए। कुल मिला के जो इन 12 दिनों में हो सकता था, आपने खुद देखा कि किस प्रकार वो 24 किलोमीटर चलते हैं और आज तो 25.5 चलेंगे, 25.5 से ज़्यादा। मैंने उनसे कहा कि आप सुबह 6 बजे शुरू करते हैं और रोशनी नहीं होती, लोग आपको देखने के लिए आते हैं, तो वो लोग तो निराश होकर जाते हैं। वो मेरे से नाराज़ हुए, उन्होंने कहा कि देखो, मैं अगर 6 बजे मैंने तय किया है, मैंने अपने आप के लिए तय किया है और जितना देख सके देखें, पर मैं 6 बजे से 1 मिनट नहीं हटूंगा। तब 24 किलोमीटर पर दिन उन्होंने 2 शर्तें रखी थी मेरे साथ जब हम इसकी प्लानिंग बना रहे थे कि 24 से मैं 23 नहीं करूंगा और ये ज़रूर, दूसरी चीज कि मैं टाइमिंग नहीं चेंज करूंगा। तो आज मैं मध्य प्रदेश की आम जनता को और सब पत्रकार बंधु को भी, मैंने देखा आपको कितने धक्के लगे, मैंने देखा आप लोग को भी कितना चलना पड़ा, कईयों में से तो बहुत चले, मैं पीछे चला जाता था, मैं देखता था कौन कौन है। तो आप सबको भी और मध्य प्रदेश की आम जनता को, माताओं, बहनों, भाइयों, बच्चों को मैं धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने राहुल गांधी जी को प्यार दिया, पर मुझे ये देखकर भी बल और शक्ति मिली। अब मेरे सवाल नहीं बोला जा रहा। सभी पत्रकार साथियों को हमारा प्रणाम नमस्कार। राहुल जी ने जो भारत जोड़ो यात्रा प्रारंभ की, एक बार कर दीजिए प्लीज। सवाल आपसे ले ले रहे हैं। यात्रा प्रारंभ की भारतीय जनता पार्टी के तमाम मित्रों ने यात्रा की खिल्लियां उड़ाई कि राहुल जी क्या करेंगे, इनके साथ कौन है, कांग्रेस पार्टी में केवल बूढ़ों की पार्टी रह गई है, नौजवान यहाँ से जा चुके हैं और ये यात्रा सफल नहीं होगी। मैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से, मित्रों से पूछना चाहता हूँ, अगर यह बात है तो आपका डर किस बात का? आपके ये लगातार राहुल जी गए बाबा साहब की समाधि पर, तो लगातार 2 बार लाइट काटी गई, कई जगह राहुल जी के भाषण चल रहे थे, उस स्थानों पे भी माइक लाइट बंद करने से व्यवधान पैदा किया। इंदौर में
नगर निगम के अधिकारी कर्मचारियों को निर्देश दिए कि होर्डिंग निकालो। अरे भाई जब राहुल गांधी कहते थे कुछ है नहीं पप्पू है तो फिर इसका डर काहे का है, क्यों डरे हुए हैं, क्यों भयभीत हैं? और जो जनता को अभी तक लगातार 18 वर्ष से भयभीत करते रहे उनका भय दूर करने के लिए राहुल जी ने इस देश में अभी तक लगभग 2400 किलोमीटर से ज़्यादा यात्रा करी है। मध्य प्रदेश में भी लगभग 370 किलोमीटर चल गए। जो जनसैलाब मैंने कांग्रेस राहुल जी के नेतृत्व में अभी देखा है, महिलाएं बच्चे गरीब किसान मजदूर और भारी पैमाने पर हमारे अनुसूचित जनजाति के भाइयों ने जो समर्थन दिया है देखने के लिए, राहुल जी के नारे लगा रहे हैं। लोग मोदी का नारा मोदी भूल गए, अब राहुल जी के नारा आम जनता के बीच गूंज चुका है। जो जन सैलाब आया है भविष्य का इतिहास लिखेगा। जो नौजवान आए हैं जहाँ जहाँ विश्व में क्रांतियाँ हुई बदलाव हुआ वहाँ नौजवानों के आगे आने से हुआ है। मैं लगातार राहुल जी के ने जो अपने सब आरोप लगाते थे कि धर्म विरोधी हैं हिंदू विरोधी हैं, लेकिन राहुल जी ने जो सेकुलर राजनीति पर करने वाले सांप्रदायिक के से लड़ने वाले हैं उन्होंने सब धर्मों का आदर किया। जहाँ पर गुरुद्वारा आए वहाँ प्रणाम किया, हिंदुओं के मंदिर आए नर्मदा आरती की, और हमारी पार्टी का सिद्धांत है सभी धर्मों का आदर करना। हमारी संस्कृति है भारत की, जितने भी धर्म हैं जितने भी संप्रदाय हैं सब संप्रदाय को सम्मान दिया जाए, और हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जितने भी धार्मिक स्थल मिले राहुल जी ने अपनी पूरी श्रद्धा के साथ नमन किया प्रणाम किया। और जो कांग्रेस के प्रति दुष्प्रचार करते रहे जो भय फैलाते रहे आज वो लोग भयभीत हैं। देश को जोड़ने की यात्रा आखिर क्या पड़ी? आज नौजवान परेशान, महिलाओं पर सबसे ज़्यादा अत्याचार हो रहे हैं, नौजवान बेरोजगारी के कारण आत्महत्या कर पढ़े लिखे बच्चे बच्चियां बेरोजगारी के कारण आत्महत्या करने को मजबूर हो रहे हैं। इसी प्रकार किसान, मोदी जी कहते हैं हम हर किसान को 6,000 रुपये दे रहे हैं, मैं भी किसान हूँ और आप लोग भी तमाम हमारे साथी खेती किसानी वाले होंगे। केवल डीजल के भाव बढ़ने से जो लागत थी किसान की 5 एकड़ की, वो मोदी जी ने दाहिनी जेब में तो डाल दिए 6,000, और 2014 के बाद जो लागत अकेले डीजल के भाव बढ़ाने से 7,300 रुपये एक किसान की जेब से निकाल लिया। इस प्रकार पूरे देश की लूट हो रही है। मैं आप सब से ने जो सहयोग किया, लगातार परेशानी आप लोगों ने उठाई, मध्य प्रदेश में आके कच्ची खराब सड़कों पर चले, शिवराज सिंह जो नारा देते थे आप लोगों ने भी देख लिया कि अमेरिका जापान की कैसी सड़कें हैं, अभी आप लोगों ने देखी। आप लोगों ने जो कष्ट उठाया परेशानी उठाई हम लोग उतना आपका इंतजाम नहीं कर सके, इसके लिए कष्ट हुआ तो क्षमा प्रार्थी है। पुनः आपसे कहेंगे अब आज हमारी यात्रा राजस्थान के में प्रवेश करेगी और सब खुशहाली के साथ राहुल जी के नेतृत्व में पूरा देश कोलबंद होकर लोगों के समस्या निराकरण के लिए आगे बढ़ रही है। हम आप सबको
और यात्रा में आने वाले जो हमारे पदयात्री मित्र हैं लगातार 3,500 किलोमीटर से अधिक चल रहे हैं उनको बधाई धन्यवाद देते हैं। लोगों को भी उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आप सबको आमंत्रित करना चाहता हूँ जो आज आ सके। यहाँ से 17 किलोमीटर दूर राजस्थान बॉर्डर में जब प्रवेश करेंगे वहाँ भी एक छोटा सा फंक्शन होता है, जब हम झंडा राजस्थान को हैंड ओवर करते हैं सौंपते हैं, तो आप में से जो आ सके 17 किलोमीटर दूर है तो वो भी एक अच्छा फंक्शन होता है। एक जो बात कई दफ़े पूछी गई कि राहुल जी आप ये यात्रा क्यों कर रहे हैं, उन्होंने कहा कई दफ़े कहा कि ये यात्रा मेरा लक्ष्य राजनीतिक नहीं है, मेरा लक्ष्य है कि हम देश की संस्कृति और देश का संविधान को सुरक्षित रखें। आज अपने देश की संस्कृति जो जोड़ने की संस्कृति है इस पर जो हमला हो रहा है ये उनके मन में है कि मुझे भारत की रक्षा करनी है, कि कैसा भारत कैसा हिंदुस्तान हम आगे आने वाली पीढ़ियों को सौंपना चाहते हैं, ये उनके मन में बात बसी हुई है। और शुरू में कहा जाता था बीजेपी कहती थी जब एक केरल से चली जाएगी खत्म हो जाएगी, केरल में तब का कर्नाटक में खत्म हो जाएगी, तब का तेलंगाना में खत्म हो जाएगी, कहाँ चलेगी ये यात्रा। और जगह जगह ये उत्साह भरता जा रहा है, ये नहीं कि एक शक्ल देखने को आते हैं, आज के दिन तो टेलीविजन है वो शक्ल देखने नहीं आते, वो अपना प्यार व्यक्त करने आते हैं, बस हाथ हिलाने में ही उनको संतुष्टि है। ये सबसे बड़ी चीज है। मैंने तो बहुत राजनीति देखी है और लोगों के आंखों में मैंने देखा कि किस प्रकार का प्यार और विश्वास लोग व्यक्त कर रहे थे। ये बात सही है कि आज मध्य प्रदेश का हर वर्ग परेशान है, हर वर्ग परेशान है। बीजेपी ने जितनी अड़चन पैदा कर सकते थे करी, मैं नाम नहीं लेना चाहता उस स्थान का, उन्होंने आके मुझे कहा कि हमें डीएसपी ने फ़ोन किया कि आप भीड़ मत लाइएगा क्योंकि हम व्यवस्था नहीं कर सकते। उन्होंने आके मुझे कहा डीएसपी फ़ोन कर रहे हैं मत जाइएगा गांव गांव में क्योंकि हम भीड़ की व्यवस्था नहीं कर सकते। जितनी अड़चन वो पैदा कर सकते थे उन्होंने करी, पर मैं समझता हूँ कि जनता जब जुड़ गई बीजेपी का जितना भी प्रयास रहा फेल रहा। अब सवाल नहीं हमारे नेता प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सक्रिय अध्यक्ष परम आदरणीय कमलनाथ जी, प्रतिपक्ष के नेता गोविंद सिंह जी और सम्मानित पत्रकार साथी, कल मैंने आपके बीच में कांग्रेस के दौर में कमलनाथ जी के नेतृत्व में क्या उपलब्धियां हुई, क्या काम प्रदेश के विकास के मद्देनजर हुए और आज मध्य प्रदेश की क्या स्थिति है, इसका ब्यौरा प्रस्तुत किया था। और मैं आपका आभारी हूँ कि आज बहुत अच्छे ढंग से आपने अपने समाचार पत्रों में और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में उसको स्थान दिया है। आज मैं 2-3 बिंदु पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। केंद्र में भाजपा की सरकार है, प्रदेश में भाजपा की सरकार है, केंद्र की एनडीए की सरकार मध्य प्रदेश के साथ हमेशा सौतेला व्यवहार कर रही है। जब हमेशा शब्द में उपयोग में ला रहा हूं तो चाहे प्रदेश में कांग्रेस की सरकार रही हो और चाहे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही हो, केंद्र सरकार हमारे प्रदेश के साथ सौतेला व्यवहार करती रही है जो एनडीए की सरकार है। आप कहेंगे एक आध मिसाल दीजिए, लगभग 10,000 करोड़ रुपए की गेहूं खरीदी का भुगतान मध्य प्रदेश को अभी तक केंद्र सरकार ने नहीं किया है और उसके परिणाम स्वरूप मध्य प्रदेश को 3 करोड़ रुपए प्रतिदिन देना पड़ रहा है।
ऐसी कई विभिन्न केंद्रीय योजनाएं हैं जिनका लाभ मध्य प्रदेश को मिलना चाहिए, वित्तीय मदद समय पर मिलनी चाहिए, लेकिन वो नहीं हो पा रही। आप पूछेंगे आपने क्या किया। कमलनाथ जी यहाँ बैठी इसलिए उनकी मौजूदगी में मैं नहीं कह रहा, मैंने कल बताया था कि विभिन्न योजनाओं के तहत चाहे यूआईडी एसएसएमटी हो, चाहे यूआईडी हो, चाहे जेएनयू आरआरएम हो, इसके तहत लगभग 4,510 करोड़ रुपए की राशि कमलनाथ जी ने अपनी पहल करके जब वो केंद्रीय शासन में मंत्री थे तो मध्य प्रदेश को दिलाई। हम सौभाग्यशाली थे कि मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री के रूप में आदरणीय कमलनाथ जी जैसा नेतृत्व हमें मिला, लेकिन हम दुर्भाग्यशाली हुए कि वो सरकार किसी वजह से गिर गई। मैं उसके विस्तार में नहीं जाना चाहता हूँ। आज जो विषय है वो ये है कि हमारे नेता राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा पर निकले हैं, उनके मन में तड़प है कि ये देश एक रहे, इस देश में विद्वेष की भावना से काम ना हो, इस देश में अलगाववाद ना हो, इस देश में भाईचारा बना रहे, और इसलिए उनके मन में सर्वोपरि ये देश है और इसके लिए दल नहीं, दल से ऊपर उठकर वो देश को देख रहे हैं, इसलिए अथक परिश्रम कर रहे हैं और इसके लिए उन्हें अपार जन समर्थन मिल रहा है। उन्होंने खुद स्वीकारा है कि अभी तक की जो भारत जोड़ो यात्रा विभिन्न प्रदेशों से आई है उसमें सर्वाधिक जन समर्थन मध्य प्रदेश में उन्हें मिला है। इसके लिए कमलनाथ जी और मध्य प्रदेश की जनता बधाई की बात है। ये एक बात, ये पहला प्रदेश था जो हिंदी भाषी प्रदेश था, केरल, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्रा, तो ये पहला प्रदेश हिंदी भाषी था। और सब कहते हैं, अखबारों ने भी लिखा कि दक्षिण में तो ठीक है चल जाएगी यात्रा, पर जब हिंदी भाषी प्रदेश में आएंगे ये ठिकाने लग जाएंगे। पहला प्रदेश था जो हिंदी भाषी है, पहला प्रदेश था जो 18 साल से बीजेपी के कब्जे में है, और जो हुआ मैं कहता हूं पूरी मध्य प्रदेश की जनता और आप सब उसमें इंक्लूडेड गवाह है। ये मैंने शुरू में कहा था, मुझे तो ताज्जुब हुआ, मुझे खुद इतनी उम्मीद नहीं थी। और ये आदेश से ये भीड़ नहीं जमा हुई, वो उस रीवा से चल के 750 किलोमीटर 200 लोग आ रहे, मैंने तो उनको नहीं कहा था, सिंगरौली से कोई सीधी से आ रहा है, वो अपने आप चलते हुए आए। और मैं तो परेशान हो गया क्योंकि कहते हैं 750 किलोमीटर से हम आए हैं, हमारी मुलाकात तो करा दे। हमने टाइम फिक्स किया हुआ था मुलाकात का, फोटो वोटो इसका, पर वो सब रह गया क्योंकि हजारों की संख्या में ये दूर दूर से जो आ रहे हैं इनको हमने आदेशित नहीं किया था। हमने कहा था आप अपने जिले में ये भारत जोड़ो यात्रा निकालिए, ये खुद चल के आ गए। तो ये जो उत्साह है, भारतीय जनता पार्टी ने 12 साल से राहुल गांधी जी की छवि, उनकी इमेज पर जो हमला किया सोशल मीडिया पर, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, अब दूध का दूध और पानी का पानी साफ हो गया। असली राहुल गांधी जो जिनसे वो डरते थे इसलिए उन्होंने शुरू किया था, अगर राहुल गांधी जी से घबराते नहीं 12 साल पहले ये मुहिम ये शुरू नहीं करते राहुल गांधी जी के खिलाफ। पर अब ये सब असली राहुल गांधी, असली राहुल गांधी अब जनता के सामने है। अभी जो राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को डिस्क्रेडिट करने के लिए सर ऐसा अफेयर हुआ कि बीच में एक षड्यंत्र रचा गया जिसमें पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे, ऐसा इस वीडियो से अफेयर हुआ, तो हमें क्या बता सकते हैं क्योंकि वो कांग्रेस पार्टी के आईटी हैंडल से पहले वीडियो रिलीज हुआ था, उस षड्यंत्र के पीछे कौन था और आपने इन्वेस्टिगेशन किया? वो लाइव चल रहा था और अभी तक उनको सर वो वीडियो जो सामने आया, मैं बता, मैंने देखा नहीं पर जो मैंने सुना ये लाइव चल रहा था और लाइव में ये ट्वीट भी करते रहते हैं, उन्होंने ट्वीट कर दिया। इसमें जो असली बात है
ये पाकिस्तान के नारे कौन लगाएगा? कांग्रेस पार्टी लगाएगी। जो डिस्टर्ब, हाँ बिल्कुल, जो डिस्टर्ब करना चाहती है वो लगाएगी। कल पांच लोग खड़े हो गए, मैंने सुना मोदी मोदी मोदी, जब देखी ये भीड़ है उनकी जान निकल गई। वो पिटने वाले थे क्योंकि पब्लिक पिट थी उनको, ये बात याद रखिए। इन्होंने पूरी प्लानिंग करी थी, ये मैं बता दूं, और मुझे, मैं अंदरूनी बात उनकी बता रहा हूं जो मेरे को जानकारी मिली थी कि किस तरह वो डिस्टर्ब करेंगे। पर जब उन्होंने देखा इतना उत्साह, इतना जोश, इतना प्यार, इनकी एक एक रणनीति इसमें फेल हो गई। सर आपको क्या लगता है इस यात्रा में राहुल गांधी में ट्रांसफॉर्मेशन हुआ? आपने भी कहा असली राहुल गांधी है, किसान मजदूर की बात तो करते थे, हम धर्म और आध्यात्म पे भी हम देख रहे हैं वो बकायदा प्रवचन, बिल्कुल कल उन्होंने काम पे बोला। एक बात मैं बताऊं, दोपहर को इनमें से कोई लोग जो थे, आप लोग थे, अभी जब टी ब्रेक हुआ, मैंने कहा और आज फिर से रिपीट कर रहा हूँ, कोई भारतीय जनता पार्टी का, आरएसएस का, बिंदु विश्व हिंदू परिषद का इनके साथ बैठ जाए और बहस कर ले, दित्ते दित्ता ज्ञान इनको धर्म का है, ये भारतीय जनता पार्टी विश्व हिंदू परिषद आरएसएस को नहीं है। और ये जो पिक्चर पेंट करी थी जिसके शिकार आप लोग भी हुए थे, कितना हजारों करोड़ रुपए इन्होंने सोशल मीडिया में लगाया कि इनकी इमेज ऐसी बना दो, पर ये तो अभी दो महीने हुए, आप देखिएगा अगले दो महीने में क्या होगा। जब तक ये यात्रा बुरहानपुर से जब स्टार्ट हुआ था, मतलब हम भी वहाँ से यहाँ तक चले रहे हैं आपके पास, तो अब तक अपडेटिंग दिस समथिंग अराउंड 370 किलोमीटर, लाइक यू मस्ट हैव हैड अ मीटिंग राहुल गांधी जी ने, मस्ट हैव हैड अ मीटिंग विद एमपीसीसी लीडर, सीनियर एमपीसीसी लीडर, अबाउट द रिव्यू ऑफ मध्य प्रदेश लेक, ठीक है, मध्य प्रदेश लेक का जो रिव्यू हुआ होगा, तो उसका जिस्ट क्या है, क्या जिस्ट निकला है? उन्होंने खुद कहा कि मुझे ऐसी उम्मीद नहीं थी कि इतनी सफल यात्रा होगी मध्य प्रदेश में, पर अब जो है सो बात, उनको भी दिख गई। देखिए उन्होंने राजनीतिक विषय लिए नहीं, कल मीटिंग हुई थी दो ग्रुप्स में, दोपहर को और शाम को, राजनीतिक नेताओं को आपने सुना होगा, कोई उन्होंने कहा हंसी मजाक की मीटिंग है, मेरे से राजनीति की बात मत करना। मैं चैलेंज कर रहा हूँ वीएचपी को, आरएसएस को और बीजेपी को कि वे राहुल जी के साथ बैठ जाए, आप सबको बुला ले आप सबके सामने। आप नहीं मानते कि कांग्रेस को आफ्टर ऑल रिलीजियस प्लेटफॉर्म पे आना पड़ रहा है चुनाव के लिए? देखिए जो उसी बात है, हमें कोई चीज साबित करनी, जो हम हैं हम हैं, हमें साबित करने की आवश्यकता नहीं। तो ये जो एक इमेज बना ली, एक छवि बना ली, ये उसका परिणाम है जो आप बात कर रहे हैं कि वो तो अब आपने इलेक्शन आ रहा है, आप क्या सोचते हैं राहुल जी इलेक्शन के लिए आए? वो तो अपनी भारत जोड़ो केरला इलेक्शन के लिए गए थे या तमिलनाडु इलेक्शन के लिए गए थे? ये इलेक्शन, ये तो रूट है, मध्य प्रदेश रूट में आ गया, अब वो अगली यात्रा शायद बनाए पूरब से पश्चिम की, उसमें भी मध्य प्रदेश आ जाएगा, पर इलेक्शन से कुछ लेना देना नहीं इसका। कमलनाथ जी, जो प्रदेश में विनाश की राजनीति चल रही है, जिस तरह से लोगों के मकान छोड़े जा रहे हैं माफिया के नाम पे, कल 6 लोगों को सस्पेंड कर दिया, कर्मचारियों को जहां जा रहे हैं वहां, तो इस तरह से क्या किस बीजेपी टोटली बौखलाई हुई है, उनके पास पुलिस पैसा और प्रशासन बचा है, जो मैं हमेशा कहता हूँ, और उनके जो नेतागण है वो भी अब किस चीज के पीछे है कि दिखता बन जाए अगले 8-9 महीनों में बना लो, हम तो घर बैठने वाले हैं। मुझे तो एक नेता ने, बीजेपी नेता ने बताई ये बात,
कि भाई अब तो जो लग रहा है जो माहौल है तो वो तो खुद ही जानते हैं क्या वो बोल के हम कोई रिप्लेसमेंट नहीं देते उठते हम स्पेयर टायर नहीं रखते वो तरह तरह के लोगों को बुला लेते हैं बच्चे महिला बुजुर्ग लोग पंडित देख लिया और वो इसके द्वारा मैंने कुछ सुनी बात मेरे ख्याल चक्कर तो मुझे पता मुझे तो कोई इंटरेस्ट था नहीं उसकी बात सुनी तो मैं पीछे को जाता था मेरा सिस्टम था चलो और मैं जगह ना लूँ किसी और ताकि वो और सबको बता मुझे ये साबित करनी मुझे तो कुछ ये साबित करनी तो बहुत सारे लोगों को पीछे उनको मैं सामने करता था कि जितना मौका मिल जाए कांग्रेस को सर काला डब्बा है उज्जैन में फोटो कराई थी ना मीडिया से चलते हुए मीडिया से मुलाकात सच्ची बात है ये नहीं नहीं दिख रहा आप देखो मेरा हाथ नहीं दिख रहा है चेहरे से दिख रहा थैंक यू अभी अभी बात करने तो हो सकती है देखिए ये सब के इंचार्ज गोविंद सिंह वाला के लोगों के अलावा किसी की फोटो नहीं क्योंकि अगर मैंने 10 की कराई 100 मेरे से नाराज कि मैंने नहीं कराई तो बुराई देनी है ये ले मैं क्यों सर आप तो प्रदेश अध्यक्ष हैं सर बोल सर आप लगाइए